हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रणव नारायण और आज हम लोग चर्चा करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के। हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है और हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। हम लोग जानेंगे कि किन किन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, किन किन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, है ना। तो ये सारा चर्चा हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे, तो ध्यान से देखें, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। डाइपोल आप लोग समझते हैं कि जब दो चार मैग्नीट्यूड जिसका सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है, तो इसको हम लोग डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक खास तरह का डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, लेकिन इसमें एक कंडीशन चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या चाहिए। हाइड्रोजन जो है वो फोन से अटैच हो, फोन मतलब या तो फ्लोरीन के साथ, नहीं तो फिर ऑक्सीजन के साथ, नहीं तो फिर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो, है ना। और बगल में कोई एक एटम हो और उस एटम पे क्या हो, लोन पे हो। जनरली ये जो एटम है इन्हीं तीनों में से कोई एक होता है। ऐसे तो क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के लगभग बराबर ही है, लेकिन बड़ा साइज होने की वजह से क्लोरीन जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का, हाइड्रोजन फोन से अटैच हो, बगल में कोई एटम हो, उसके पास लोन पेयर हो, और तब ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, पार्शियल शेयरिंग करेगा और आपको बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड होने का। भाई हम लोग देखेंगे किन किन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे, नहीं जैसे कि हमसे कोई पूछता है कि क्या ये एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो अगर आप हमसे जो कुछ पूछा कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो आप ये सोचिए कि आपके पास अल्कोहल का बहुत सारा मॉलिक्यूल, हजारों हजार, अरबों अरब, करोड़ों खरबों खरब, है ना। और आपको ये देखने के लिए कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है, ये देखने के लिए जितना मॉलिक्यूल आपको चाहिए आप मानिए कि आपके पास है, नहीं तो क्या अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो हाँ होगा। यहाँ पर लोन कर दी है, आप याद रखें कि ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है उसके पास दो लोन पेयर रहता है। और अब क्या देख रहे हैं आप कि हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मतलब फोन फोन में ऑक्सीजन जाता है और यहाँ आपका लोन पेयर है, तो इनके बीच आपका शेयरिंग होगा और आपका बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या इथर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, आर ओ आर आर ओ आर, यहाँ लोन पेयर तो है, लोन पेयर तो है, लेकिन क्या है आपका हाइड्रोजन जो है वो फोन से अटैच नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, आर मतलब अल्काइल ग्रुप आप लोग जानते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, समझे कि नहीं। और फिर लोग पूछता है क्या अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है तो ये अल्केन भी है, तो क्या है हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, साथ साथ लोन पेयर भी नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। क्या एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। क्या कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच। क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लोन पेयर है, याद रखेंगे फॉर्मल चार्ज आपको पढ़े होंगे, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो बस दो लोन पेयर रहता ही रहता है, अतः ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण किया, उसी तरह से ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण किया और इस तरह से दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, और ऐसे सिस्टम को कहते हैं डाइमर, ठीक है। तो यहाँ डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली कोई हमसे अब पूछता है कि क्या अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, NH3 है, तो हम लोग लिखे NH3 H और ये लोन पेयर, तो हाइड्रोजन यहाँ फोन से अटैच है, यहाँ लोन पेयर है, और आपका क्या आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो गया। कोई पूछता है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा क्या, HF हाइड्रोजन यहाँ फोन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, ठीक है, अब तक यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा, समझेंगे ये चीज आपका है।
वाटर मॉलिक्यूल पूछता है कि हाइड्रोजन का निर्माण होगा कि नहीं होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं ये तो हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ आपका हाइड्रोजन का निर्माण होगा, नहीं है? तो क्या कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का ये आप देखें। अब अगर आपसे पूछता है कि क्या आपको मोहर और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो देखते हैं आर ओ एच और ये ले लिया हम लोग एच ओ एच, तो हम बोलेंगे कि बनेगा, यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रहा है, हाइड्रोजन फोन से अटैच है, यहाँ लोन पेयर है ना, ये इसके साथ शेयर करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, चूंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा है इसलिए अल्कोहल जो है वो पानी में सोल्युबल होगा। सिमिलरली हमसे कोई पूछता है कि क्या ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बनाएगा क्या, तो हाँ बनाएगा, इसलिए ईथर भी क्या है आपको वाटर में सोल्युबल होगा। सिमिलरली हमसे पूछा कि क्या अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा क्या, है ना, क्या अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा क्या, हमें बिल्कुल करेगा, है ना, और यहाँ पे जो लोन पेयर देने वाला रहेगा वो कौन देगा, नाइट्रोजन देगा, क्यों नाइट्रोजन देगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ज़्यादा बेसिक है, क्यों ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से वो लोन पेयर ज़्यादा एनर्जेटिक है और ज़्यादा बेसिक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा, चूंकि अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रहा है इसलिए आपको क्या होगा, अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होगा, सही नहीं? तो अभी तक ये जो भी आप चर्चा आप देख रहे हैं जितना भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये सारा जो है ये इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या, वैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच बने जिनका अपना अलग एग्जिस्टेंस हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से एक होता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग पार्ट के बीच, दो अलग अलग हिस्सों के बीच हो जाए तो वो है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं नहीं जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग ये हम लोग लेते हैं ये एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ दो चार छ माइनस ये दो चार और ये अपना हो गया ओ और ये हो गया एच, ठीक है, ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, है ना, यहाँ देखिए हाइड्रोजन फोन से अटैच है, बगल में एक व्यक्ति इसके पास लोन पेयर है तो इसके साथ शेयर करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण की वजह से आपका यहाँ रिंग का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम लोग कहते हैं काइलेशन, है ना, काइलेशन। और यहाँ क्या है ये एक ही मॉलिक्यूल था ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जिसका दो अलग हिस्सा आपस में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ठीक उसी तरीका से आप ये ले लीजिए ये लीजिए ये और ये आपका एन डबल बॉन्ड ओ और ये आपका हो गया ओ माइनस और ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच, है ना, ये से आपका हो गया ये आपका आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करने का, है नहीं, ये भी क्या है आपका इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है नहीं। तो ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ब्रीफिंग, है नहीं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।